गुड मॉर्निंग गाइस। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्लास 12 का मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब कौन कौन तरीके से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। कुछ आपके मेथड्स आपको इसमें दे रखे हैं, फिशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस करेंगे। सबसे पहला मेथड है आपका फिशन। फिशन जो मेथड है वो सिंपली जनरली आपकी कंसर्न है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से, जो जनरली बिलोंग करते हैं मोनेडा और प्रोटिस्टास में। तो फिशन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, सिंगल सेल आपका डिवाइड हो जाता है टू एंड मोर डॉटर न्यूक्लियाई में, और वो डॉटर न्यूक्लियाई भी फर्दर फुल ग्रोन ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। क्या होता है इसमें, सिंगल सेल डिवाइड एंड फॉर्म टू और मोर डॉटर न्यूक्लियाई एक सेल दो या दो से अधिक डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है और हर एक डॉटर न्यूक्लियाई आपका फुल ग्रोन ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाते हैं। फिशन जनरली आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका बाइनरी फिशन और एक होता है आपका मल्टीपल फिशन। एज अ नेम इंडिकेट, बाइनरी फिशन का मतलब होता है जब एक सिंगल सेल आपका सिर्फ दो सेल में डिवाइड हो, एक सिंगल सेल दो सेल में डिवाइड हो। जैसे मान लीजिए ये आपका सेल है, तो ये जब डिवाइड होकर कितने सिर्फ दो सेल बनाए, ये न्यूक्लियस आपका दो सेल बनाए, तो इसे हम कहते हैं बाइनरी फिशन। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपका है अमीबा। सबको पता होगा अमीबा, वाटर एक्वेटिक एनिमल है, यूनिसेलुलर है आपका अमीबा। तो इसका एग्जाम्पल बाइनरी फिशन में किसका रहता है, अमीबा का। सेकेंड है आपका मल्टीपल फिशन। यहां मल्टीपल फिशन का मतलब होता है जब सिंगल सेल आपका एक से ज्यादा सेलों में, दो से ज्यादा सेलों में डिवाइड हो जाए, तो इसे हम कहते हैं मल्टीपल फिशन। इसमें क्या होता है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपका प्लाज्मोडियम, जो मलेरिया कॉज करता है आपका। मान लीजिए ये है आपका एक न्यूक्लियस, इसमें क्या होता है कि ये पहले ये न्यूक्लियस आपका मल्टीपल बहुत सारे न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है, लॉट्स ऑफ न्यूक्लियाई, छोटे छोटे बहुत सारे न्यूक्लियाई जो हमेशा सेल एक सेल के अंदर ही रहते हैं, जब तक ही कोई फेवरेबल कंडीशन अनफेवरेबल कंडीशन जब तक रहती है जब तक एक सेल के अंदर ही रहते हैं। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है तो हर एक न्यूक्लियाई के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म आपका इकट्ठा हो जाएगा और ये फिर सेल डिवाइड हो जाएंगे लॉट्स ऑफ सेल्स में, लॉट्स ऑफ सेल्स में। देखिए आपके सबसे पहले इसमें हमेशा न्यूक्लियस डिवाइड होता है, वो सेल के अंदर ही रहता है जब तक कि अनफेवरेबल कंडीशन चलती है, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है तो हर एक न्यूक्लियस के चारों तरफ आपका कुछ साइटोप्लाज्म गैदर हो जाएगा और फिर सेल आपका कंप्लीटली डिवाइड होगा डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में। ये बेस्ट एग्जाम्पल आपका पाया जाता है प्लाज्मोडियम में, मल्टीपल फिशन का। प्लाज्मोडियम आपको ऑलरेडी पता है मलेरिया पॉजिटिव एजेंट है, जिसकी वजह से मलेरिया आपका होता है। तो ये है आपका बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन। बाइनरी फिशन आपके जनरली तीन उसमें हो सकता है, डिपेंड करता है कि किस एंगल या किस से डिवाइड हो रहा है, किस एंगल से डिवाइड हो रहा है। सिंपल बाइनरी फिशन होता है वो किसी भी एंगल पे डिवाइड हो सकता है, जैसे कि अमीबा पे। एक होता है आपका ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन होता है जो ट्रांसवर्स एंगल पे, मतलब हॉरिजॉन्टली जो काटे किसी सेल को, जैसे एग्जांपल है प्लाज्मोडियम के अंदर, प्लेनेरिया के अंदर। एक होता है तीसरा होता है आपका इसमें लॉन्गिट्यूडनल, मतलब जो ऊपर से नीचे की तरफ काटे सेल को, जैसे एग्जांपल इसमें आपका हो सकता है यूग्लिना का। यूग्लिना में हमेशा लॉन्गिट्यूडनल डिविजन होते हैं, इसमें फिशन बाइनरी फिशन लॉन्गिट्यूडनल होता है। तो ये है आपका फिशन के एग्जांपल। उसके बाद आपका सेकंड कैटेगरी आता है इसमें बडिंग। नेक्स्ट आपका इसमें बडिंग। अच्छा बड क्या होता है, बड कुछ नहीं होता, किसी कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर एक स्मॉल आउटग्रोथ बाहरी उभार टाइप का उगाता है और इसी को हम कहते हैं बड, क्योंकि बड के अंदर बहुत सारे टोटिपोटेंट सेल्स होते हैं, वो सेल जो पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को देने की काबिलियत रखते हैं, पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को बनाने की काबिलियत रखते हैं, इसलिए उस बड से आपका न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। और बड़ी में सिंपल सा होता है बडिंग, इन दिस प्रोसेस एंड आउटग्रोथ क्या होता है, थोड़ा सा उभार ग्रोन ऑन द आउटर बॉडी बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म
एंड देन दिस बर्ड डिटेच्ड पेरेंट से यह अलग हो जाता है एंड ग्रोन इन टू अ फुल ऑर्गेनिज्म एंड ग्रोन इन टू अ फुल ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म एक छोटा सा बॉडी में पहले उभार होगा, फिर वो उभार बढ़ेगा और समय आने पे वो अपने आप को मेन प्लांट बॉडी से ऑर्गेनिज्म बॉडी से अलग कर लेगा और एक फुल ग्रोन ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। इसके बेस्ट एग्जांपल्स आपके आते हैं बडिंग में हाइड्रा और ईस्ट, दोनों के दोनों बेस्ट एग्जांपल है आपके बडिंग के लिए। जैसे आपने हाइड्रा का ऑलरेडी आपने डायग्राम होपफुली देखा होगा, इस टाइप का होता है, इसमें हल्का सा एक उभार आ जाता है इस तरह से, ये समय के साथ आपका बढ़ता जाएगा, इसमें भी टेंटिकल्स आ जाएंगे, माउथ आ जाएंगे और जैसे ही ये फुल ग्रोन हो जाएगा तो मेन प्लांट बॉडी से ही अपने आप को अलग कर लेगा, मेन प्लांट बॉडी से ही अपने आप को अलग कर लेगा और एक फुल ग्रोन ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। सिमिलरली विद द ईस्ट, ईस्ट के अंदर भी यही होता है, ईस्ट आपका ये आपका होता है कि अपनी बॉडी के ऊपर तरीके एक छोटा सा बड लेके आते हैं, कभी कभी ये बड अपने अपने आप को बॉडी से डिटैच कर लेते हैं और कभी कभी डिटैच नहीं करते, बड के ऊपर एक और बड आ जाता है, इस तरह से लगातार अपनी चेन बनाते जाते हैं और समय के साथ फिर ये डिटैच होते हैं। ये ईस्ट के एग्जाम्पल आता है बडिंग का। थर्ड आपका होता है आपका इसमें स्पोर फॉर्मेशन, तीसरा इसमें स्पोर फॉर्मेशन, सॉरी एक चीज आपको बताना भूल गए इसी बडिंग वाले में जो आपको हाइड्रा और उसका एग्जांपल दिया है वो थे एक्सटर्नल बर्ड्स। बडिंग में ही इंटरनल बर्ड्स का टर्म भी आता है, इंटरनल बर्ड्स जो बॉडी के अंदर डेवलप होते हैं जिन्हें हम कहते हैं गैम्यूल्स। और गैम्यूल्स किसमें इसमें होते हैं स्पॉन्जेस के अंदर ये डेवलप होते हैं, जैसे फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस, स्पेशली स्पॉन्जिला। बडिंग में वो आउटर बर्ड का एग्जांपल था जैसे ईस्ट और बर्ड, क्योंकि बॉडी के बाहर उसमें बर्ड ग्रो होते हैं, जबकि इसमें इंटरनल बर्ड डेवलप होते हैं जो आपके स्पॉन्जेस होते हैं, स्पेशली फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस, जो स्पॉन्जिला जैसे एग्जांपल उसका हो गया। इसमें जो इंटरनल बॉडी के अंदर छोटे छोटे बर्ड, जस्ट लाइक आप यहां हम दिखा देते हैं आपको किस प्रकार से होता है, ऐसे छोटे छोटे वेरी स्मॉल इंटरनल बर्ड डेवलप हो जाते हैं शरीर के अंदर, और जब तक शरीर के अंदर ही रहते हैं जब तक कंडीशन कैसी होती है अनफेवरेबल, और जैसी कंडीशन फेवरेबल आती है तो ये इंटरनल बर्ड्स आपके बाहर निकल के फुल ग्रोन ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं। ये आपका एग्जांपल है इंटरनल बर्ड्स का, जिसे हम कहते हैं गैम्यूल्स, एग्जांपल फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस, स्पॉन्जिला के अंदर। अब हम तीसरा करते हैं स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन जनरली ये फंजाई से और कुछ अलगे से रिलेटेड है आपका ये स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर्स क्या होते हैं, ये स्पोर्स आर असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर होते हैं, जनरली ये फंजाई में या कुछ अलगे में पाए जाते हैं, ये असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर वो हेल्प करते हैं असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने में ऑर्गेनिज्म के। स्पोर्स आपके जनरली दो तीन मेन टाइप के होते हैं, जैसे एक कॉमन एग्जांपल है आपका जूस स्पोर का, ये जूस स्पोर्स होते हैं मोटाइल होते हैं, मोटाइल मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह जा सके, क्योंकि इनके अंदर होते हैं स्पेशल स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं फ्लैजेला, ठीक है। जूस स्पोर एग्जांपल है इसका, स्पोर में जो मोटाइल होते हैं, मोटाइल इसलिए होते हैं क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला, कुछ इस प्रकार से होते हैं फ्लैजेला, इस प्रकार से इन दो टेल लाइक स्ट्रक्चर की हेल्प से आगे तरफ मूव कर सकते हैं, ये मोटाइल होते हैं और स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर के अंदर ये फॉर्म होते हैं, जैसे हम कहते हैं स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर के ऊपर ये फॉर्म होते हैं और उस स्ट्रक्चर का नाम है स्पोरेंजियम। और ये स्पोरेंजियम क्या है, ये अपर पार्ट है हाइफा का, अगर आपने फंजाई की बॉडी देखी हो तो नीचे के पार्ट को माइसिलियम कहते हैं, अपर पार्ट जो आपका होता है रूट टाइप स्ट्रक्चर जो होता है जिसे हम हाइफा कहते हैं, और ये हाइफा के जस्ट ऊपर आप ये ग्रोन होते हैं, इसी हाइफा को हम कहते हैं स्पोरेंजियम। इसके एग्जाम्पल अब जूस स्पोर में आपके आ जाते हैं क्लाइमोडो क्लेमाइड
क्लाइमेडोमोनास, क्लाइमेडोमोनास इसका एग्जांपल है आपका जूसपोर का। सेकंड टाइप के इसमें एग्जांपल हम दे सकते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स। स्पोरेंजियोस्पोर्स भी आपके क्लाइमेडोमोनास की तरह स्पोरेंजियम मतलब हाइफा के ऊपर ही ग्रोन करते हैं, पर ये नॉन मोटाइल होते हैं। ये नॉन मोटाइल होते हैं क्योंकि इनके अंदर फ्लैजला नहीं होता, मूव करने के लिए फ्लैजला नहीं होता, ये नॉन मोटाइल होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसमें दे सकते हैं राइजोपस जो फंजाई है, ठीक है। इसी कड़ी में एक और आपका दे सकते हो आप इसमें जो स्पोर्ट्स हो गया स्पोरेंजियम स्पोर्ट्स, क्वालिटी का भी एग्जाम्पल आता है आपका टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स में क्वालिटिया। क्वालिटिया आपके स्पोरेंजियम के अंदर ग्रो नहीं करते, ये भी आपके नॉन मोटाइल होते हैं मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल नहीं कर सकते। और इसका एग्जाम्पल आपका बेस्ट आता है स्पोरेंजियम रेजोपस। ओके पेनिसिलियम, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपका पेनिसिलियम। ये वही स्पीसीज है जनरली जिससे आपको पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक बनाई जाती है। तो ये टाइप्स ऑफ स्पोर्स हैं और किन किन चीजों में पाए जाते हैं ये आपका कंसेप्ट है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। थैंक यू।